वेलकम गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बताएंगे अगर आपके पास है वीवो T3X 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड करना चाहते हो या ऐप को प्राइवेट करना चाहते हो, कैसे प्राइवेट करोगे। ऐप को हाइड करने के लिए दोस्तों बहुत ही आसान तरीका है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। सेटिंग्स को ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में शो जाएगा। थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा फिर से नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे आपको पहले से कोई भी प्राइवेसी लॉक बनाया है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपने नहीं बनाया रहेगा तो आपको एक लॉक सेट करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पहले से बनाया था, वो लॉक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऐप हेडिंग का ऑप्शन आता है, ऐप हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से व्यू हिडन ऐप्स के सामने टिक इनेबल करना है। अब नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहती है वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती है। जो भी एप्लीकेशन हाइड करना है उसके सामने आपको टिक इनेबल करना है। इसे इनेबल करते हैं, यहाँ पे डू नॉट रिमाइंड मी अगेन पे क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। और भी जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना है वो यहाँ से हाइड कर सकते हो, इस तरीके से हाइड कर लेना है। जैसे हाइड कर लेते हैं दोस्तों, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन आपको ऐप बार में देखने को नहीं मिलेंगी। अगर इनको दोस्तों आपको देखना है, चलाना है, तो उसको उसके लिए दो उंगली इस तरीके से रखना है स्क्रीन पे, होम स्क्रीन पे, ऊपर की ओर स्वाइप अप करना है। जैसे स्वाइप अप करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपने प्राइवेसी लॉक जो बनाया था वो डालेंगे। डालते ही दोस्तों हाइड हुई एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाती है, आप यहाँ से इनको चला सकते हो। तो दोस्तों वीडियो से सही, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।